जिमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज गया, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, फैसला आज। लाहौर में दो कौमी और दो सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग जारी, 11,75,832 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 881 पोलिंग स्टेशन में से 193 पोलिंग स्टेशन हसास करार, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर के दो हलकों पर पूरे मुल्क की नजरें, कप्तान की खाली नशिस्त पर जोर का जोड़। N131 में ख्वाजा साद रफीक और हुमायूं अख्तर के दरमियान कांटेदार मुकाबला मतवक। N124 में शाह ककान अब्बासी और गुलाम मोहीउद्दीन दीवान के दरमियान सियासी मैच। PP164 में PTI के यूसुफ अली और नून लीग के सुहेल चौकत बट मद्दे मुकाबल। PP165 में तहरीक इंसाफ के मियां मंशा सिंधु और नून लीग के सैफुल मलूक खोकर आमने सामने। जिमनी इलेक्शन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पाक फौज की निगरानी में पोलिंग, पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात, 11,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। ख्वाजा साद रफीक सीनियर गर्ल्स स्कूल जी ब्लॉक डिफेंस पहुंच गए। नून लीग का कैंप स्कूल से 300 मीटर दूर लगाने पर ख्वाजा साद रफीक का एतराज, डिफेंस के लोगों को वोट डालने के लिए घरों से निकलने की अपील। तहरीक इंसाफ के N124 से उम्मीदवार गुलाम मोहीउद्दीन दीवान की दादा दरबार हाजिरी, कामयाबी के लिए दुआ मांगी। शाह जमाल भी गए गड़ी शाहू में, कारकुनों के हमरा नाश्ता भी किया। बड़े भाई की छोटे भाई से एक और मुलाकात, नवाज शरीफ की नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुलाकात में शहबाज शरीफ की अहलिया, दोनों बेटे और बहू भी शामिल। और पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के जेर एहतमाम इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप, मुल्क भर से 65 स्कूलों के 413 खिलाड़ियों की शिरकत, फाइनल मुकाबले 14 अक्टूबर को होंगे।